टाइम्स भीड़ लग जाती है, इसलिए भैया पहले से देखिए तैयारी करके यहाँ रखा जा रहा है। फलूदा ग्लास में लगा के, ग्लास को अच्छे से पैक करके रखा जा रहा है ताकि भीड़ एकदम से आए तो ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल हर्षित शर्मा। भाई कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। साड़ी गली विद हर्षित शर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आ गया हूँ आज मैं अशोक विहार दी गली में, जहाँ पर है चौधरी स्वीट्स, जहाँ की कुल्फ़ी फलूदा काफ़ी फेमस है, काफ़ी वैरायटी का यहाँ पर मिलता है। देखिए शानदार सा हमको स्टॉल मिल जाता है चौधरी का बाहर में ही, जहाँ पर आपको तिला कुल्फ़ी, रबड़ी कुल्फ़ी, कुल्फ़ी फलूदा यहाँ पर मिल जाता है अलग अलग वैरायटी का, जो कि काफ़ी लजीज है, लोग बहुत पसंद करते हैं। 9 बजे के बाद तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। ये देखिए सामने ये है मिल्क यहाँ पर फ्लेवर, जो कि कई वैरायटी में आपको मिल जाएगा, मैंगो, ब्लूबेरी, केसर पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, लॉट ऑफ वैरायटी है, 50 रुपये से शुरू हो जाती हैं। और ये हैं स्टिक कुल्फ़ी का ऑप्शंस, आपको पान और अंजीर और बहुत 85 तरीके की आपको कुल्फ़ी के यहाँ पर फ्लेवर मिल जाएंगे। और ये देखिए बड़ा ही अतरंगी स्टाइल है इनका कुल्फ़ी फलूदा बनाने का, और लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ पर, पहले से तैयारी रखते हैं ये कि भीड़ आए तो जो है कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। कौन सी कुल्फी बना रहे हो भैया? भैया हमारे पास केसर बादाम काजू पिस्ता मलाई पेरे, अच्छा, और ओरियो ब्लैक करंट लीची, सारी बहुत सारी फ्लेवर है, सारी क्वालिटी की। सबसे लोगों को ज़्यादा क्या पसंद आती है? केसर बादाम काजू पिस्ता, केसर बादाम काजू पिस्ता कुल्फी में पसंद है। अच्छा कुल्फी वाली थी? हाँ जी। ओके। और फलूदा भी पसंद है, रबड़ी फलूदा है, कुल्फी फलूदा है। क्या रेट है इसका कुल्फी फलूदा का? 80 रुपये भैया, 80 रुपये। हाँ जी हाँ जी। और रबड़ी फलूदा 70 रुपये। तो अभी ये खाली आप इसमें फलूदा डाल के पैक कर रहे हो? फलूदा भी लगा रहे हैं ऊपर में, इसलिए भीड़ लग जाता है। भीड़ लग जाती है? हाँ जी। तो फ्रेंड्स भीड़ लग जाती है, इसलिए भैया पहले से देखिए तैयारी करके यहाँ रखा जा रहा है। फलूदा ग्लास में लगा के, ग्लास को अच्छे से पैक करके रखा जा रहा है ताकि भीड़ एकदम से आए तो ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। ये है देखिए गाइस, फलूदा बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में एक बार, ये देखिए। और ये क्या है भैया? ये रबड़ी है। ये रबड़ी है, ये देखिए जी, ज़बरदस्त, वाह भाई वाह, बहुत सुंदर लग रही है देखने में। और ये केसर वाला फलूदा है फ्रेंड्स, देखिए केसर वाला फलूदा बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में, वाह। और क्या है भैया? भैया कुल्फी है, कुल्फी है। भैया हमको कुल्फी दिखा रहे हैं अभी, देखिए स्पेशली यहाँ से। तो भैया सुबह से ही तैयारी शुरू हो जाती है इसकी? हाँ जी हाँ जी, 11 बजे चालू कर देते हैं। अच्छा चलिए दिखाइए। ये बैठी बैठी है, वाह जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ये कौन सी कुल्फी है? ये बैठी बैठी बैरी बैरी कुल्फी है ये। ये देखिए ऐसे पैक कर दिया गया है कुल्फी को एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही शानदार लग रही है। कलर बड़ा ही स्वाद, बड़ा बढ़िया अच्छा आया कलर आया भैया इसका। और साड़ी भरे भरे आपको सारी फ्लेवर चीज कर सकते भैया, ये देख लीजिए साड़ी और वैरायटी की कुल्फी है, ये देख लीजिए हम बड़ी बड़ी रबड़ी। टोटल कितनी वैरायटी दिख रही है? ये सारी वैरायटी है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर आपको समोसे भी मिलते हैं, समोसे का काउंटर है यहाँ पर, जो कि लाइव चाट कॉर्नर है जिसका नाम है चटपटी चाट। और ये देखिए यहाँ पर जो है चाप का काउंटर है, जहाँ पर आपको तंदूरी चाप मिलेगी हर वैरायटी की।
और यहाँ पर एक ख़ास बात है कि आपको यहाँ पर काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, तंदूर से लेकर के आपको यहाँ पर जो कि 100% प्योर वेज है ये चौधरी का आउटलेट। चटपटी चाट इसका नाम है, द टेस्ट ऑफ दिल्ली 6 के नाम से है। सर्दियों में यहाँ पर ज़्यादा डिमांड होती है, लोग ज़्यादा यहाँ पर चाप खड़े होकर खाना पसंद करते हैं। गर्मियों में थोड़ा ठंडा ज़्यादा चलता है। बगल में ये आपको मिल जाता है फ्रेंड्स, ये है काठी कबाब विद रुमाली रोटी। हाँ जी, ये देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन हो रही है। बगल ही में आपको मिल जाएगा पाव भाजी का स्टॉल, जो बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में एकदम तड़के वाली यहाँ पाव भाजी बनाई जाती है। ये है आलू टिक्की, देख लीजिए, और साथ में इसमें आपको मिलेंगे गोल गप्पे, जो कि बिल्कुल यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया तरीके से बनाए जाते हैं। मीठे और चटपटे खट्टे तीखे पानी का भी आपको गोलगप्पा यहाँ पर मिल जाएगा, लोग अक्सर पसंद करते हैं। यहाँ पर वीकेंड्स पे ज़्यादा रश होता है, वीकडेज में थोड़ा कम, बट जो है कुल्फ़ी फलूदा और फ्लेवर्ड मिल्क का रश डेली बेसिस पे ही रहता है। और ये देखिए आप यहाँ पर चटनी, दही, जो कि यहाँ पर दही बल्ले बनाए जाते हैं, और ये देखिए गोलगप्पे का पानी, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जहाँ तक बात करें इस एरिया की, काफ़ी हाइजीनिक है, अच्छे से यहाँ पर साफ सफाई मेंटेन की हुई है। कॉर्नर की शॉप है, एम्पल पार्किंग स्पेस मिल जाती है, शॉप के अंदर भी काफ़ी स्पेस है, काफ़ी जो यहाँ पर क्विक सर्विस दी जाती है। ये देख लीजिए बाहर में मेन्यू है जो कि लगा हुआ है, मैंने आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं। स्विगी या जोमेटो से आप जिस चाहे से चाहें आप उससे ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ जी, तो बात करते हैं कुछ रियलिटी चेक की। तो यहाँ पर जो स्वीट्स हैं, वो स्वीट्स की क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत ख़राब लगी। मैंने अपने घर के लिए 2-3 वैरायटी की स्वीट्स पैक कराई थी, जो कि मुझे बहुत बिलो एवरेज लगी। एंड जहाँ तक बात कर सकते हैं यहाँ पर केक्स वगैरह का, यहाँ पर केक्स की वैरायटी भी बिल्कुल, क्वालिटी भी बिल्कुल एवरेज है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। कुछ खास बात है इस प्लेस के बारे में, वो ये ओनली यही है कि यहाँ की जो फ्लेवर्ड मिल्क है और जो कुल्फ़ी फलूदा है, वो ही एक लेवल पे अच्छा है, वेल एंड गुड है, बाकी सब कुछ एवरेज है। एंड प्लीज़ थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल हर्षित शर्मा, एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।